भाषण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई में निमंत्रण किसी को नहीं भेजा जाता। जिसका जमीन जिंदा होता है वो बेचर के गला खाता है। सुरला जिले के समस्त युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर सुरला को जिला बनाना चाहते हो तो मजबूती से लड़ाई लड़ो। अपने घरों के अंदर मत बैठे रहो, सड़कों पे निकलो, धरना दो, प्रदर्शन करो, लड़ाई लड़ो। अगर आप आगे नहीं आ सकते तो आपके आगे हम खड़े रहेंगे। चाहे हमें मुकदमा झेलना पड़े, जेल जाना पड़े, रास्ते रोकने पड़े, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, आपका भाई आगे हमेशा खड़ा रहता, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। चाहे सुजानगढ़ में लड़ाई लड़नी पड़े या उस राजधानी जयपुर में लड़ाई लड़नी पड़े, आपको पीछे खड़े हो जाना। आगे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। हमने पीछे भी लड़ाइयां लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं और जीवन में संघर्ष की हर लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस गड़गड़ाती धूप में आप सभी यहाँ पे मजबूती से सुजला जिले की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे आए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार इस रैली को।